हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। टुडे अगेन वी विल लर्न सम ऑफ द इंग्लिश कॉमन सेंटेंसेस एंड वी विल आल्सो रिवाइज द प्रीवियस इंग्लिश सेंटेंसेस। बिफोर दैट आई वांटेड टू से फ्यू लाइंस टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। मैं जो भी सेंटेंसेस आपको डेली कराती हूँ, आपको उन सेंटेंसेस का रिवीजन कई बार करना है, अपने माता पिता के साथ, अपने अदर फैमिली मेंबर्स या ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ करना है, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्ट आप इस इंग्लिश लैंग्वेज में हो पाएंगे। आप अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो आपसे क्वेश्चंस करें, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, What is your mother name? और आप उसका रिप्लाई करें, जिससे आपकी रिवीजन बहुत परफेक्ट होगी। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा करेगा, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही हमारा स्कूल भी खुलेगा, हम सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना रिवीजन किया है और कितनी लर्निंग हुई है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हर स्टूडेंट का बार बार डेली में इन एन आर टू आर में ये क्वेश्चंस दोबारा ही दोबारा पूछते रहें, क्योंकि जितना आप अपने बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही परफेक्ट वो इस लैंग्वेज में हो पाएंगे। एज द प्रोवर्ब गोज दैट द प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, सो द मैनी टाइम यू विल प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस द वेरी वे यू विल बिकम द परफेक्ट इन द लैंग्वेज। सो यू हैव टू डू द रिवीजन अगेन एंड अगेन। तो ये रिवीजन आपको डेली करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है, जितनी टाइम आप कर सकते हैं। गुड, आज हम लोग न्यू सेंटेंसेस सीखने से पहले हमारे जो प्रीवियस सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इज योर प्रिंसिपल। हु इज योर प्रिंसिपल? अगर आपको उनके फ्रेंड से पूछना है कि उनके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे? वॉट यू विल से? हु इज योर प्रिंसिपल? सिमिलरली अगर आपको किसी से पूछना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क देम? यू विल से माय प्रिंसिपल नेम इज, जो भी आपके प्रिंसिपल का नाम है। फॉर एग्जांपल, आवर प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर राहुल पालीवाल, सो वी विल से माय प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर राहुल पालीवाल। Nice. Now we will go to our next sentence. We will revise our next sentence. Our next sentence is, if you want to ask the class teacher of your friend name, अगर आपको आपके class teacher का नाम जानना है आपकी friend के, तो आप कैसे पूछेंगे? How you will ask? You will simply say, who is your class teacher? Isn't it simple? It's very simple. For example, आप अपने brother and sister के साथ practice कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए, who is your class teacher? फिर उसका जवाब लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी class teacher का नाम क्या है, और who is your class teacher? How you will reply in English? You will simply say, my class teacher's name is Mr. or Miss, जो भी उनका नाम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टीचर का नाम मोनिका है, देन आई विल से माई क्लास टीचर्स नेम इज मिस मोनिका। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट सेंटेंस। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इफ यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, इफ यू वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट, एंड इफ यू वॉन्ट टू सीक द परमिशन फ्रॉम योर टीचर, principal or anybody, what you will say in English, what sentence you will use? You will say, please may I go to the toilet? अगर आपको washroom जाना है,
तो आप उसकी परमिशन कैसे लेंगे? हाउ यू विल आस्क द अदर पर्सन फॉर दैट? यू विल सिंपली से दिस वेरी सिंपल सेंटेंस, प्लीज मे आई गो टू द टॉयलेट. अगेन प्लीज रिपीट अगेन एंड अगेन. आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए एज मैनी टाइम एज यू कैन. तो आप भी बिल्कुल जिस सिंप्लिसिटी के साथ मैं बोल रही हूँ इतनी ही सिंपली और आसानी से बोल पाएंगे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. दिस इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज सेंटेंस. ये बहुत हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ये वाले सेंटेंस को. अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, वेर एवर यू गो, ये सेंटेंस हमारा काफ़ी यूज़ होता है. बिकॉज हम जब भी किसी से मिलते हैं हम हमेशा उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं. तो हाउ यू विल से दिस थिंग इन इंग्लिश? आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉट यू विल से? यू विल से हाउ आर यू. सो इफ यू मीट योर फ्रेंड और यू मीट योर रिलेटिव और एनी वन अराउंड, वॉट यू विल से? हाउ यू विल आस्क दम अबाउट देयर वेल बीइंग? You will say, how are you? And how you will reply to them? आप उनको reply कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई पूछेगा how are you? If someone asks you how are you, how you will reply in English? You will simply say, I am fine, thank you. Again, how you will say? I am fine, thank you. Very good. So practice it again and again and you will be able to speak very simply. Our next sentence is, this is a very common usable sentence. ये sentence बहुत ही commonly use होता है. And ये sentence is a not only a sentence, it's a manner. जब भी कोई आपको कोई भी चीज़ दे या आपका कोई भी काम करे तो आपको क्या बोलना चाहिए? So what do you say when someone gives you something or do anything good to you, comes to you, help you? What is the common sentence you should use? You should always say thank you. तो जब भी कोई आपकी मदद करे, कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपको कुछ दे, you should always use this sentence, thank you. Even in home also, at home also, if mummy and papa gives you something, if for example, if they give you food, if they give you fruits, you should say thank you. अगर आपके मम्मी पापा जब आपको खाना वगैरह देते हैं, लंच आप करते हैं, डिनर करते हैं, तो आपको हमेशा हैबिट बनानी चाहिए टू से थैंक यू. यस, अ नेक्स्ट सेंटेंस. सो फॉर एग्जांपल, इट हैपन्स मोस्टली आप स्कूल में लेट आते हैं, क्लास में कभी लेट पहुंचते हैं. सो व्हाट इज़ द सेंटेंस यू शुड यूज़ टू योर टीचर? सो व्हेन एवर यू कम्स टू स्कूल लेट एंड व्हेन एवर यू एंटर्स योर क्लासरूम लेट, व्हाट शुड यू से टू योर टीचर? यू शुड ऑलवेज से, एक्सक्यूज मी टीचर, प्लीज़ मे आई कम इन? दिस इज़ वेरी सिंपल. अगेन वी विल प्रैक्टिस, एक्सक्यूज मी टीचर, प्लीज़ मे आई कम इन? यस. Now we come to our next sentence. What do you say when you want something? If आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको किसी से कुछ चाहिए है, कुछ मांगना है, for example, अगर मुझे आपसे एक पेन चाहिए तो मैं इंग्लिश में उसे कैसे बोलूँगी? If I want a pen from you, how I will say this thing in English? There is this very simple sentence. I will say, please give me this pencil. अगर मुझे आपसे बुक चाहिए होगी तो मैं कैसे मांगूंगी आपसे बुक? How will I ask about that book? I will simply say the sentence, please give me this book. For example, अगर आपको एक फ्रूट चाहिए तो आप कैसे मांगेंगे अपनी मदर से? आप बोलेंगे, please give me this fruit. It is very simple. It's just a matter of practice. So practice it again and again, students. Practice is very important. आप दिन में
हर एक घंटे में ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको फिर दोबारा कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल. नाउ आर दिस सेंटेंस हमारे लास्ट क्लास का लास्ट सेंटेंस वॉज दिस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू आस्क समवन अबाउट अ थिंग, अगर एक डेस्क पर एक ऐसी चीज़ रखी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल से व्हाट इज दिस. इट्स वेरी सिंपल, आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे, यू विल पॉइंट टू दैट ऑब्जेक्ट एंड यू विल से व्हाट इज दिस. और अगर आपको किसी का रिप्लाई देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ, एक पेन वहाँ पे रखा हुआ है एंड मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज दिस, तो हाउ यू विल रिप्लाई, आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से दिस इज अ पेन. इफ सम बुक हैज बीन कैप्ट ओवर देयर एंड आई आस्क यू व्हाट इज दिस, हाउ यू विल रिप्लाई? यू विल से दिस इज अ बुक. सिंपल. अगेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन बिकॉज द टाइम्स द मेनी टाइम्स यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न. तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको इसकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी. गुड. नाउ वी विल डू द लर्निंग ऑफ आवर थर्ड लेक्चर. जो हमारे थर्ड लेक्चर के सेंटेंसेस हैं आज हम वो भी स्टार्ट करेंगे. नाउ वी विल रिवाइज थर्ड लेक्चर. वेयर is your bag, book or pencil? If you want to ask someone about the things they have, for example, if I have a bag and you want to ask me where is my bag, mera bag kahan hai, to how will you ask? You will simply say this sentence, where is your bag? Or if you want to ask about my book, you will simply say, where is your book? Or if you want to ask about the pencil, you will simply ask me, where is your pencil? Now similarly, if someone asks you that where is your bag, or someone asks you where is your pencil, for example, if I ask you that where is your bag, then how will you reply in English? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका बैग कहाँ है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे? It's very simple. You will say, my bag is here. Here means यहाँ. अगर आपका बैग यहाँ पे है तो आप बोलेंगे माई बैग इज हियर. इफ अगर आपका बैग घर पे है देन हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश? यू विल से माई बैग इज एट होम. यस, इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस फॉर रिवीजन. Yes, if you want, we have learned this in our previous class, our last class actually. What is the meaning of handkerchief? The meaning of handkerchief or napkin is rumal. The meaning of handkerchief or napkin is rumal. Hum rumal ko English mein kya bolte hain? Handkerchief or napkin. So if you want to ask someone that where they have kept their handkerchief, if you want to know about their handkerchief, how you will ask in English? You will simply say, where is your handkerchief? Or you will say, where is your napkin? Exactly. Now, if someone asks you that where is your handkerchief or where is your napkin, how you will reply? आप कैसे रिप्लाई करेंगे अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका हैंकरचीफ कहाँ है या आपका नैपकिन कहाँ है, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में?
You will simply say, my handkerchief is in my pocket. अगर आपके handkerchief आपके pocket यानी आपकी जेब में है तो आप बोलेंगे my handkerchief is in my pocket. Good. Now our next sentence for the revision is, yes. Now, if you want to ask to someone whether they have completed their homework or not, how you will ask in English? अगर आपको किसी से पूछना है कि उन्होंने उसका होमवर्क किया है या नहीं, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? How you will ask in English? It's very simple. You will simply say, have you done your homework? What you will say? You will say, have you done your homework? We will repeat it again. Have you done your homework? Very great. Now, if someone asks you about your homework, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने होमवर्क किया है या नहीं, हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? वॉट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल से, यस आई हैव डन माई होमवर्क. मीन्स अगर आपने अपना होमवर्क किया है तो आप क्या बोलेंगे? यू विल से, यस आई हैव डन माई होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क किया है. अगेन, व्हाट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल से, यस आई हैव डन माय होमवर्क. गुड. एंड फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, अगर आपका होमवर्क नहीं है, तो आप बिल्कुल सही बोलेंगे और उनसे बोलेंगे सॉरी, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है तो आपको माफ़ी मांगनी होगी. तो आप बोलेंगे सॉरी, सॉरी आई हैव नॉट, मतलब नहीं किया मैंने. I have not done my homework. Good. So, if you have not completed your homework, what you will say? You will simply say, sorry, I have not done my homework. Good. Now we will come to our next sentence. Yes, this was our last sentence in our previous class and we will revise it. Students, I'm telling you again and again to revise the sentence, because again I will say, and I will say it again and again in our upcoming classes also, that revision is must. Until and unless you revise it daily, you say it daily, aap agar usse daily conversation mein practice nahi karenge, you will forget. So it is important to revise. That's why we are revising each and every sentence daily. So, how many days are there in a week? If you want to ask someone कि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? How you will ask in English? You will simply say, how many days are there in a week? Good. Again, how you will say? We will repeat it again and again. We will say, how many days are there in a week? So this is how you will ask about the days in a week. So kitne days hote hain ek week mein? How many days are there in a week? Only seven days होते हैं एक week में. So हम उसका reply कैसे देंगे in English? How we'll say in English? We will say, there are 7 days in a week. Good. We will say, there are 7 days in a week. Very good. Practice this again and again, and then you will see you will be able to speak it very, very simply.
Now we will revise the sentence. Where should you throw waste paper? Where should you throw waste paper? If you want to ask someone where they should throw the waste paper means kharab kagaz. तो अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको कहाँ पे वेस्ट पेपर यानी ख़राब कागज फेंकना है तो हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश यू विल सिंपली से वेयर शुड यू थ्रो वेस्ट पेपर एंड इफ समवन आस्क यू दैट वेयर शुड यू थ्रो द वेस्ट पेपर देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश यू विल सिंपली से आई शुड थ्रो waste paper in the dustbin. What you will say? You will simply say, जो हमारा waste paper है वो हमें कहाँ throw करना चाहिए? We should throw in dustbin. Dustbin means जो कचरा दान होता है जहाँ पे हम सारा dust डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं in English? We call it dustbin. So if someone asks you that where you should throw your waste paper, you will reply in English, I should throw waste paper in the dustbin. Very good. Now we will revise the next sentence. Okay, our next sentence is how should you keep your classroom or home? So if someone asks you that how you should you keep your classroom or home, आपको अपना घर और अपनी क्लास कैसे रखनी चाहिए तो what you will reply? You will simply reply, I should keep my classroom or home neat and clean. हमें कैसा रखना चाहिए हमारे क्लासरूम और घर को neat and clean. Neat and clean means साफ और सुथरा. नीट एंड क्लीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं साफ और सुथरा अगेन व्हाट यू विल से व्हेन समवन आस्क यू हाउ शुड यू कीप योर क्लासरूम और होम योर रिप्लाई विल बी आई शुड कीप माय क्लासरूम नीट एंड क्लीन और आई शुड कीप माय होम नीट एंड क्लीन वेरी गुड Now next, how do you come to school? If someone asks you that how do you come to school? अगर कोई आपसे पूछता है आप स्कूल कैसे आते हो तो उसका रिप्लाई आप इंग्लिश में कैसे दोगे How you will reply it in English? You will simply say this sentence, I come to school by, फिर आप जिस भी व्हीकल से आते हो For example, अगर आप वैन से आते हो तो आप कहोगे आई कम टू स्कूल बाय वैन अगर आप बाईसाइकिल से आते हो तो आप कहोगे आई कम टू स्कूल बाय बाईसाइकिल फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉक करके आते हो आप चल के आते हो तो हाउ यू विल से आई कम टू स्कूल बाय अ वॉक गुड नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस And why we are revising it? Because मैंने आपको पहले भी कहा है more and more we will revise, more and more we will learn. So revision is must. That's why we are revising again and again daily. तो आपको भी घर पे इस क्लास को लेने के बाद अपने घर पे आस एक दूसरे के साथ इन sentences का revision करना है Okay? So अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू कम टू स्कूल एक तो वो वाला आंसर है और अगर कोई आपसे ये जानना चाहता है कि आप स्कूल किसके साथ आ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ मदर के साथ आ रहे हो फादर के साथ आते हो किसके साथ आते हो तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे हाउ यू विल रिप्लाई दैट क्वेश्चन इन इंग्लिश यू विल रिप्लाई बाय सेइंग इट माय मदर ब्रिंग मी टू स्कूल अगर आपकी मम्मी आपको स्कूल लेके आती हैं तो आप क्या बोलेंगे माय मदर Bring me to school. Again, what you will say?
माय मदर ब्रिंग मी टू स्कूल. वेरी गुड, वेरी नाइस. So revise it again. I'm telling revise it again and again. The more you will revise, the more it will come to your learning. Now, we will come to our today's class. Our new common English sentences. We will do the new one, but before starting new. प्लीज़ रिवाइज अगेन एंड अगेन द प्रीवियस वन. हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें आगे वाले याद रखते जाना है और पीछे वाले भूलना है. नहीं, हमें पूरा याद रखना है. पीछे वाले जितनी भी सेंटेंसेस है, यू हैव टू लर्न इट बिकॉज वी विल बी टेकिंग द टेस्ट एंड आप सबको अच्छा स्कोर करना है उस टेस्ट में. सो टुडेज न्यू सेंटेंसेस, व्हाट डू यू डू एट स्कूल. आप स्कूल में क्या करते हो? अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू एट स्कूल, अगर आपको किसी से पूछना है कि आप स्कूल में क्या करते हो, तो आप कैसे पूछोगे? यू विल आस्क बाय सेइंग दिस सिंपल सेंटेंस. व्हाट यानी क्या, डू यू डू मीन्स आप करते हो, यू यानी तुम, डू यानी करना, एट यानी किसी जगह पर, एट यानी पर, स्कूल यानी विद्यालय जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं. अगेन, तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप स्कूल में क्या करते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? आप सिंपली बोलोगे व्हाट डू यू डू एट स्कूल. अगेन, आप क्या बोलोगे? व्हाट डू यू डू एट स्कूल. एक बार और, व्हाट डू यू डू एट स्कूल. गुड. नाउ क्या करते हैं हम स्कूल में? हम लिखना सीखते हैं, हम पढ़ना सीखते हैं, हम सिंगिंग भी सीखते हैं, हम डांस सीखते हैं. तो हम ये सारी चीज़ें किस में कैसे बताएंगे उनको? इंग्लिश में बताएंगे. हाउ? आई मीन्स मैं, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, सिंग मीन्स गाना, डांस मीन्स नाचना, एंड मीन्स और, प्ले मीन्स खेलना, एट मीन्स मैं, किसी जगह मैं, वो वाला मैं, आई वाला मैं नहीं, ये दूसरा वाला मैं है, स्कूल यानी विद्यालय. So what you will say, I read, write, sing, dance and play at school. Again, what you will say, I read, write, sing, dance and play at school. Good. What you will say? You will simply say, if someone asks you that what do you do at school, then you will come to them and you will answer in English, I read, write, sing, dance and play at school. It's very simple. It's just a matter of time and some more practice. The amount of practice you will give, the more good will be the result. तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही अच्छे से याद कर पाएंगे. तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. सो अगेन, वन मोर टाइम वी विल रिवाइज इट. इफ़ समवन आस्क यू दैट व्हाट डू यू डू एट स्कूल, व्हाट यू विल रिप्लाई? यू विल से आई रीड, राइट, सिंग, डांस एंड प्ले एट स्कूल. We will come to our next sentence now. Our next sentence is, how many months are there in a year? इस क्वेश्चन का मतलब है, एक साल में कितने महीने होते हैं? Months यानी क्या होता है? महीने.
और ईयर यानी क्या होता है? ईयर यानी साल. तो हाउ यानी कितने, मैनी यानी सारे, मंथ्स यानी महीने, आर देयर होना, इन अ में किसमें, साल में. तो हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, कितने मंथ्स होते हैं एक साल में. अगर आपको किसी से पूछना है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, देन हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से दिस सेंटेंस, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. गुड. व्हाट यू विल से, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. गुड. इसका रिप्लाई क्या होगा, कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12 मंथ्स. तो आप सिंपली उनका उसका आंसर देंगे, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स. मंथ्स यानी महीने, ईयर यानी साल. तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. वेरी गुड. नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट सेंटेंस. यस, इफ यू रिमेंबर, अभी हमने रिवाइज भी किया था, एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था इन अ प्रीवियस लेक्चर, दैट हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. एक वीक यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उसका क्या आंसर था, व्हाट वाज द रिप्लाई, 7 डेज. कितने डेज होते हैं इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक. नाउ अब इस क्वेश्चन में हम वो 7 डेज पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेज होते हैं एक वीक में, उनके नेम क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं. तो नेम का मतलब क्या होता है, नाम. डेज यानी दिन, इन अ वीक, वीक मीन्स सप्ताह. तो उनके नाम हमें लिखने हैं कि कौन कौन से वो दिन होते हैं जो एक सप्ताह में होते हैं. सो हाउ मेनी डेज, पहले तो यू शुड रिमेंबर द आंसर ऑफ आवर प्रीवियस क्वेश्चन. व्हाट वाज द प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. सो हाउ मेनी डेज, देयर आर 7 डेज इन अ वीक. नाउ वो कौन कौन से डेज होते हैं, संडे. संडे मीन्स रविवार. मंडे, मंडे मीन्स सोमवार. ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार. वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स बुधवार. थर्सडे, थर्सडे मीन्स गुरुवार. फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार. एंड, एंड मीन्स और. सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार. गुड. सो इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू द नेम, द डेज इन अ वीक, व्हाट यू विल से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. इट्स वेरी सिंपल, देर आर ओनली 7 डेज. एंड ये याद करना इतना टफ नहीं है. आप डेली अगर दो बार भी इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप पूछो एक दूसरे से, टुडे इज़ विच डे, आज कौन सा डे है, आपको नहीं पता, आस्क योर मदर एंड फादर, अपने मम्मी पापा से पूछे आज कौन सा डे है. तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी. सो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, एंड इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ नथिंग टफ. जो भी मैंने सेंटेंसेस आपको कराए हैं आज, जो रिवाइज कराए हैं, जो आज न्यू सेंटेंसेस कराए हैं, प्लीज़ उनका रिवीजन अगेन एंड अगेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. हर 2 घंटे में आप पूछिए एक दूसरे से. दिस नोटिफिकेशन इज़ फॉर स्टूडेंट्स, दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन.
वी विल आस्क योर पेरेंट्स, हम आपके पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप इसका रिवीजन कर रहे हैं या नहीं, और आपका जो फर्स्ट डे होगा स्कूल का उसमें हम आपका इसका टेस्ट भी लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए. सो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स से पूछिए, इनका बार बार रिवीजन कीजिए. एंड इवन मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, जिससे वो रिप्लाई दे, और जैसे जैसे जितना वो रिप्लाई देंगे उतनी ही उनकी प्रैक्टिस होगी. एंड अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, सो नंबर ऑफ टाइम्स यू विल डू द प्रैक्टिस यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस लैंग्वेज. अगर आपकी कोई